दोस्तों अगर आप आने वाले महीने में यानी कि मार्च के महीने में एक नया स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो की हेल्प से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और बहुत सारे नए ऑप्शन खुल जाएंगे। क्योंकि यार फ्रेंड मैं टॉप 4 स्मार्टफोन लेकर आया हूँ कि कब लॉन्च होंगे, कब यानी कि नेक्स्ट मंथ में किस तारीख को लॉन्च होंगे, क्या क्या इनके स्पेसिफिकेशन है यानी क्या फीचर्स है, सारे ही बेस्ट स्मार्टफोन लेकर आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाला है आपके लिए। सो पहले स्मार्टफोन की अगर बात करेंगे तो रियलमी लेकर आ रहा है रियलमी की 9 सीरीज में 9 का स्मार्टफोन, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्मार्टफोन है। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का प्रोसेसर है, 6GB 128 का रैम वेरियंट देखने को मिलेगा। डिस्प्ले की अगर बात कर लेंगे इस स्मार्टफोन में तो यार फ्रेंड डिस्प्ले मिलेगी 6.5 इंचेस की 1900 के रिफ्रिजरेट के साथ। वहीं पे कैमरा सेटअप की अगर बात करेंगे तो 48+2+2 का ट्रिपल लेयर कैमरा, और बात कर लेंगे सेल्फी शूटर की तो यार फ्रेंड सेल्फी शूटर मिलेगा 16 मेगापिक्सल का, जो कि डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं उसको। वहीं पे बात करेंगे इसकी बैटरी की तो यार फ्रेंड 5000mAh की बैटरी मिलेगी, वो भी 18W के फास्ट चार्जिंग के साथ, यानी कि आप फास्ट चार्ज कर पाएंगे इस स्मार्टफोन को। लॉन्च डेट की अगर बात करेंगे तो ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है मार्च 2022 में, यानी कि मार्च के सेकेंड वीक में लॉन्च हो सकता है। और प्राइस रहने वाली 16,499 रुपये, जो कि एक बहुत लो प्राइस रहेगी इस स्मार्टफोन की। बात अगर नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन की करेंगे तो वो लेकर आ रहा है रेडमी। जी हाँ फ्रेंड, रेडमी लेकर आ रहा है अपनी रेडमी की नोट 11 सीरीज में नोट 11 प्रो, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है रेडमी स्मार्टफोन लवर के लिए। क्या क्या इसके फीचर्स थे तो फटाफट से देख लेंगे इस वीडियो में। इसके जो है परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर, जो कि एक हाई चिपसेट कह सकते हैं आप। रैम एंड स्टोरेज की अगर बात करेंगे तो 6GB 128 का वेरिएंट देखने को मिल सकता है, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो 6.67 इंचेस की विथ 128 के रिफ्रिजरेट और पंचोल कटआउट के साथ, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले मिली है, एक परफॉर्मेंस मिला है। बात कर लेंगे इसके कैमरा सेटअप की तो यार फ्रेंड ट्रिपल लेयर कैमरा मिलने वाला है। ट्रिपल लेयर कैमरा यानी कि 3 कैमरा, 108MP का प्राइमरी कैमरा रहेगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस रहेगा, प्लस 2MP का डेप्थ सेंसर रहेगा। वहीं पे बात करेंगे सेल्फी शूटर की तो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। बात कर लेंगे इसके बैटरी की तो यार फ्रेंड इसमें जो है बैटरी मिलेगी 5000mAh की विद 67W के फास्ट चार्जर के साथ, तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चार्ज मिल पाएगा आपको इस स्मार्टफोन में। वहीं पे लॉन्च डेट की बात करेंगे तो अभी तक जो रूमर्स निकल कर सामने आ रहे हैं कि ये स्मार्टफोन ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि 9 मार्च 2022 को लॉन्च हो सकता है। एंड फाइनली बात इसके प्राइस की करेंगे तो यार फ्रेंड प्राइस रह सकती है इसकी 24,999, यानी कि अराउंड 25,000 में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा आपको। तो क्या आपको इस स्मार्टफोन का वेट है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं पर बात अगर नेक्स्ट अपकमिंग स्मार्टफोन की बात करेंगे तो वहां पर आ रहा है सैमसंग लेकर आ रहा है अपने सैमसंग की ए सीरीज में सैमसंग A53, जो कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आपको देखने को मिलेगा, यानी कि ये स्मार्टफोन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको देखने को मिलेगा। क्या इसके फीचर्स है फटाफट से वीडियो को में देख लेंगे। एक्सनोस की 2100 यानी कि एक्सनोस 2100 का प्रोसेसर मिल सकता है, जो कि सैमसंग अपना खुद का डेवलपर है, अपने खुद का ही प्रोसेसर यूज़ करता है अब ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन में। वहीं पे बात रैम एंड स्टोरेज की तो यार फ्रेंड वन ऑफ द फाइनेस्ट 6GB 128 का वेरियंट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है आपको। बात कर लेंगे यार फ्रेंड इसके जो है डिस्प्ले की तो 6.52 इंचेस की विथ 120Hz के रिफ्रिजरेट के साथ, तो डिस्प्ले भी बहुत ही ज़्यादा आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी। और कैमरा सेटअप की अगर बात करेंगे तो यार फ्रेंड कैमरा मिल रहा है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, ये स्मार्टफोन आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड 64MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5MP का डेप्थ प्लस 5MP का मैक्रो लेंस देखने को मिल सकता है। वहीं पर सेल्फी शूटर की अगर बात करेंगे तो 32MP का सेल्फी शूटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है कैमरा के मामले में इस स्मार्टफोन को। बात कर लेंगे इसकी बैटरी की तो यार फ्रेंड ये स्मार्टफोन आ रहा है 5000mAh की बैटरी लेकर, और वहीं पे 25W के फास्ट चार्जर के साथ। और लॉन्च डेट की बात करेंगे तो मार्च 2022 में लॉन्च हो सकता है मार्च के सेकेंड वीक में, और प्राइस रह सकते 24,999। एंड फाइनली बात करेंगे लास्ट अपकमिंग स्मार्टफोन यानी कि वन प्लस लेकर आ रहा है अपनी 10 सीरीज में वन प्लस 10 प्रो, जो कि बहुत ही मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन है।
क्या इसके फीचर से कब तक ये लॉन्च हो सकता है और क्या इंडिया में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा या नहीं, ये सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर जो कि डेफिनेटली एक हाई चिपसेट मान सकते हैं आप, वहीं पे 8GB 128 का रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले की अगर बात करेंगे तो 6.7 इंचेस विथ 128 के रिफ्रेश रेट के साथ, यानी कि डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है आपको इस स्मार्टफोन में। बात कर लेंगे इसके कैमरा सेटअप की तो 48 का प्राइमरी कैमरा है, 50 का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस प्लस 5.8 का डेप्थ सेंसर। वहीं पे बात करेंगे सेल्फी शूटर की तो 32 MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलेगा जो कि आप एक अच्छे से सेल्फी क्लिक कर पाएंगे। बैटरी की बात करेंगे तो 5000 mAh की बैटरी विथ 18 यानी कि 18 वोल्ट के फास्ट चार्ज के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा आपको, यानी कि आप बहुत ही फास्ट इस स्मार्टफोन को जो है चार्जिंग कर पाएंगे। बात करेंगे इसके लॉन्च डेट की तो ऐसे रूमर्स निकल कर सामने आ रहे हैं कि ये स्मार्टफोन लॉन्च हो सकता है 15 मार्च 2022 को। हालांकि अभी ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है लेकिन कब लॉन्च होगा ये तो आप कंपनी पे ही डिपेंड करता है। और बात करेंगे इसकी प्राइस की तो यार फ्रेंड 54,500 रुपये जिस प्रकार से इसकी स्पेसिफिकेशन रह सकती है, तो ओवरऑल इन चारों स्मार्टफोन में से कौन सा आपका वेट है और कौन सा आप लेना चाहेंगे वीडियो में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो लाइक।